हेलो दोस्तों, राजस्थान पुलिस जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए राजस्थान पुलिस के 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये 32 के 32 क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं और इनके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गागरोन जो दुर्ग है उसके अंदर स्थित है मीठे शाह की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेहरानगढ़ का जो किला है उसे कहा जाता है म्यूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राणा कुंभा ने करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अकबर ने करवाया था मैग्नीज दुर्ग अजमेर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो भैंसोरगढ़ दुर्ग है वो कहलाता है राजस्थान का वेलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कछवाहा जो राज परिवार है उसकी आराध्य देवी का नाम है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिया माता कुल देवी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट है, जो ओसवाल जो जाति है उसकी कुल देवी का नाम है सचिया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तारागुड़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है मीरान शहाब की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेवाड़ शैली को माना जाता है मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चीनी के मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है ब्लू पॉटरी, जो कि जयपुर की फेमस है और ये एक प्रकार की चित्रकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनकारी थेवा कला का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है थेवा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायबघर में सुरक्षित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली अजायबघर के अंदर सुरक्षित है प्रसिद्ध चित्र रागमाला, जो कि मेवाड़ शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र व लघु चित्र बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसे सूरत खाना कहते हैं, जिसमें चित्रकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बूंदी जो चित्र शैली है उसमें महत्व दिया गया है पशु पक्षियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोगा जी को जाना जाता है जहां पीर के लोक देवता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराजा राम सिंह के काल में हुई थी राम प्रकाश थिएटर की स्थापना जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
अलवर भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है बम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिलानी मान्यता को मान्यता प्राप्त है अकबर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले के अंदर स्थित है कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया था महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राजस्थान राज्य में काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ शिखर है वो सबसे निचला शिखर है अरावली पर्वत शिखरों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, भीमदेव द्वितीय था जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण है जो कि बूंदी जिले से संबंधित है, इन्होंने लिखा है वंश भास्कर, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुजानगढ़ स्थान पर स्थित है दानचंद चोपड़ा की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुसैन शाह ने करवाया था मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाहरगढ़ अजमेर में, नाहरगढ़ किला तो जयपुर में है इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसके अलावा सज्जनगढ़ उदयपुर में सही बात है, ऑप्शन नंबर सी है, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है सही है, ऑप्शन नंबर डी है, लोहागढ़ भरतपुर जिले के अंदर स्थित है तो ये भी सही है, तो नाहरगढ़ यहाँ पे जयपुर में स्थित होना चाहिए लेकिन अजमेर में ऑप्शन है तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अलवर जो जिला है उसमें स्थित है उदयनाथ पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, विजयदान देता है बातारी फुलवारी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुलिस अधिकारियों को कार्यवाहक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर और जो जोधपुर जिला है उसमें प्राप्त है पुलिस अधिकारियों को कार्यवाहक मजिस्ट्रेट की शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में चर्चित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानकी लाल ने किया था जो कि राजस्थान की एक कला है बहुरूपिया, जिसमें एक व्यक्ति अपने बार बार रंग बदलता है उसको विदेश में चर्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांथु गांव जो कि जालौर में स्थित है किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, फत्ताजी लोक देवता है जिनका मेला लगता है सांथु गांव में और ये विशाल मंदिर यहां पर स्थित है और भादवा शुक्ल नवमी का इनका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
तेजाजी जो लोक देवता है उन्हें माना जाता है नागों के देवता के रूप में, गोगा जी की तरह है। तो दोस्तों आज का ये राजस्थान पुलिस जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तों।